तुझे क्या लगता है समिया कौन सी वीकेंड स्पेंड करने वाली है? To be honest, I have no idea. Guys, can you help me? Yes. मुझ पे ये ब्लैक वाली या गोल्डन वाली सूट कर रही है. I'm really confused. देख पार्टी का थीम तो ब्लैक है तो तू ये ब्लैक ड्रेस ही फाइनल कर. तुम पे ये गोल्डन वाली ड्रेस बहुत सेक्सी लगेगी. What the hell is this, guys? Please, तुम लोग मेरे से मजाक करना बंद कर सकते हो? What are you talking about? Come on, guys, इतने innocent मत बनो. ये मैसेज मुझे किसने सेंड किया? दिखा? जिया यार, हम ऐसे मैसेज क्यों करेंगे? तुम लोग सीरियस हो ना? Obviously we are. इसका मतलब ही वही स्टॉकर का काम है. What? स्टॉकर? हाँ, वो पिछले दो हफ्ते से मुझ पे नजर रख रहा है. And I'm damn sure वो अभी इसी मॉल के आसपास ही है. तो तू ये अब हमें बता रहा है? चल पुलिस स्टेशन में कम. खबरदार ऐसा करने की कोशिश भी मत करना. याद है ना तुम्हारी मॉम घर में अकेली है? उसका इतना हिम्मत वो मेरी मॉम को मारने की धमकी दे रहा है. गाइस, आज शाम को मिलते हैं. ओके बाय. जिया, बट काश कि मैं उस स्टॉकर की फेस देख पाती. क्या मैं अपनी बॉडी स्विच कर सकती हूँ, वो भी मेरी क्रश के साथ या फिर मेरी स्टॉकर के साथ? यस, यही मौका है. अगर मैं उसके बॉडी में चली गई तो मैं उसका शक्ल भी देख पाऊंगी. फिर तो उसे भगवान भी जेल जाने से नहीं रोक सकता. विद माय स्टॉकर. ये तो किसी लड़के का बॉडी है. इसका मतलब मैं इसके बॉडी में आ चुकी हूँ. तो फिर तो मैं उसका फेस भी देख पाऊंगी. ओके, 3, 2, 1. शट अप, ये तो इंजो की बॉडी है. दैट्स मीन ही इज माय स्टॉकर. इसलिए ये न्यू लड़का मुझे इतना शेरी लगता था. मैं जानना चाहती हूँ कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है. हेलो जिया. हाँ समिया, बोल. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? साढ़े 6 बज गए, तू आज मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आई? हाँ मैं, अरे नहीं, मैं तब जिया नहीं रही. अगर मैं तेरी पार्टी में गई तो भी तू पहचान नहीं पाएगी. हाँ नहीं, सोचना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. आई थिंक मुझे समिया को जाके सब कुछ बताना चाहिए. ओ हे ब्रो एंजो, हमें तो नहीं पता था तू पार्टी में आ रहा है. हे समिया, हैप्पी बर्थडे, ये ले तेरी गिफ्ट. समिया, थैंक यू एंजो, बट तेरा बस लड़कियों जैसे क्यों लग रही है? ये तो मैं भूल ही गई. वो एक्चुअली ये मेरा टैलेंट है, मैं लड़कियों की वॉइस निकाल सकता हूँ. वेल, मुझे तेरे इस टैलेंट के बारे में नहीं पता था. एनीवेज, यू गाइस एंजॉय दिस पार्टी. ये समिया कहाँ गई? हे ब्रो, व्हाट हैपेंड? तू डांस क्यों नहीं कर रहा है? मूड नहीं है इसलिए. ओ एमिलिया, हे, मुझे ना तुम लोगों को कुछ बताना है. मुझे ना उस स्टॉकर. कम ऑन एंजो, तू अपने दोस्तों को छोड़ के अब लड़कियों के साथ चुगली करेगा? इंपॉर्टेंट है, प्लीज लीव मी. नो नो, ये ले एप्पल फ्लेवर के शैंपिंग टेस्ट करके बता. और आज तुझे हमारे साथ कम से कम 4 शॉट तो मारना ही होगा. ओ गॉड, ये मैं कहां फंस गई? नहीं ब्रो, मैंने ये सब कभी नहीं पिया. तो क्या हुआ, अब पी ले. गुड मॉर्निंग मॉम. क्या हुआ मॉम? सुनिए ना, एक लड़का हमारे घर में घुस गया है. और ये तो मॉम, मॉम क्या लगा के रखा है? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ. मुंह बंद कर अपना. छी छी छी, दारू पी के हमारे घर में खड़ा कैसे है तू? निकल यहाँ से, भाग. मैं तो भूल ही गई कि मैं अभी जिया नहीं हूँ. बट मैं कैसे अपने बॉडी में वापस जाऊँ? ऐसे तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी. तुझे क्या लगा तूने अपनी बॉडी स्विच करके बहुत समझदारी का काम किया है? अब देख मैं तेरी बॉडी के साथ क्या करता हूँ. ये मैं कैसे भूल गई कि उसके पास मेरी बॉडी है. शिट, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ? इससे पहले वो कुछ उल्टा सीधा करे मुझे आपने आपको ढूंढना होगा. क्या है एंजो, कॉलेज के सेकंड डे ही लेट? सॉरी सर, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा. ऐसा दोबारा कभी ना हो, उसके लिए तो पनिशमेंट की बहुत जरूरत है. मतलब चल मुर्गा बन जा. व्हाट? लेकिन सर मैं कैसे? इतना शौक होने की क्या बात है? मुर्गा वर्ड क्या पहली बार सुन रही है, फिर मुर्गा पहली बार बन रहा है? उफ, अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं एक लड़की हूँ? और बता ब्रो, काम कैसा चल रहा है? काम? अरे उस जिया को स्टॉकिंग करने का काम कैसा चल रहा है? अच्छा, तो ये भी उसके साथ है? तो इसके आंसर ऑक्सीजन होगा. सर, कैन आई गो वॉशरूम? सर, मैं भी. यस यू कैन. मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती. तू पागल है क्या इंजो? क्यों? तू गर्ल्स के टॉयलेट में क्यों जा रहा है? माना कि हमारे टॉयलेट में भीड़ है, बट हम लड़कों को क्या, चल उधर जाके थोड़ा हल्का. नहीं, मुझे काम है. शर्मा मत. इंजो इधर आ. हे सच बता, कौन है तू? एमिलिया, थैंक यू सो मच, आज तो तूने मुझे बचा ही लिया. मैं तुझे सब बताती हूँ. अब तो तुझे समझ में आ गई है ना कि मैं जी आई हूँ? हाँ. कोई तो एक रास्ता होगा जिससे मैं अपने बॉडी में दोबारा जा सकती हूँ. ही इज सो डेंजरस, पता नहीं वो मेरी बॉडी का फायदा लेके क्या क्या कर रहा होगा. व्हाट, किसी ने मेरे बैंक से 1,00,000 रुपए विथड्रॉ किया है? ये जरूर उसी लड़के का ही करतूत है. सुन, तुझे इसकी बॉडी से निकल के अपने बॉडी में जाने की सिर्फ एक ही सलूशन है. क्या? तुझे उसे ढूंढ के उसके फोरहेड में टच करना होगा.
आई नो कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। कहाँ? अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, वो अभी भी बैंक में ही होगा। बाय, मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। ओ माय गॉड, इतनी भीड़ में मैं अपने आप को कैसे ढूंढूंगी। हाँ, इन लोगों को मैं अपना फोटो दिखाती हूँ। हे एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को यहाँ देखी है क्या? आई एम सॉरी बट मैंने तो नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा? नहीं। लगते उसने अपना फेस ढक के आया था। जिया, तू इस बार हॉलीडे में कहाँ जा रही है? जिया? हे जिया, क्या है? अरे इसकी शक्ल तो अजीब सी है, ये मैं नहीं हूँ। तूने क्या कहा, मैं अजीब दिखती हूँ? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं अरे, है तो मेरा मतलब नहीं देख के लग रहा है एक नंबर का छपरी है। चल सबक सिखाते इसको। हे जिया, तू तो इंजो को ढूंढने गई थी, तो फिर तेरी ये हालत कैसे हुई? पूछी मत, मेरी किस्मत बहुत खराब चल रहा है। सुनो गाइस, अगर तुम लोग मेरी किसी भी तरह से मदद कर सकते हो तो प्लीज जरूर। डोंट वरी, हम तेरी पूरी मदद करेंगे। थैंक्स गाइस। हे, कौन है वहाँ पे? जिया। व्हाट? जिया, अब बस तुम देखती जाओ मैं तुम्हारी लाइफ की कैसे ऐसी की तैसी करता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? देखो प्लीज मेरी बॉडी मुझे वापस दे दो। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया है। मतलब? पैसे। बस इतने में मेरा क्या होगा? मेरा काम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करूँगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या हुआ जिया? इमा, वो कुछ डेंजरस करने वाला है। सुन जिया, तू घबरा मत, तू अभी घर जा। किसके घर? इंजो के घर। व्हाट? हाँ, मेरी बात मान और तू मुझे अपना फोन दे। मेरी भैया एक पुलिस ऑफिसर है, वो उस लड़के का लोकेशन ट्रैक करेगा। मॉम, आई एम होम। अरे इंजो बेटा, आज इतना लेट क्यों हुआ? वो एक्चुअली आंटी। हाँ? आंटी इंजो बेटा? नहीं, छोड़ो ये सब, तुम फ्रेश होके खाना खाने आ जाओ जल्दी। जी मॉम। ये इंजो के मॉम डेट कुछ अजीब नहीं है, वो लोग अपने बेटे का वॉइस चेंज हो गया ये तक भी नोटिस नहीं किया। जो भी हो, अच्छा ही है। देखो इंजो बेटा, आज तुम्हारी फेवरेट एक करी बनी है। क्या, एक करी? बट मुझे एक से एलर्जी क्या? है। तुम्हें एक से एलर्जी? अब तो इन लोगों को मेरे ऊपर जरूर शक होगा। एलर्जी तो मुझे है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इन लोगों ने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? देखो बेटा, ईमा ने तुम्हें कॉल किया है। अच्छा, मुझे दीजिए। हेलो, तुझे पता चला वो कहाँ पे है? वो अभी जयपुर में है। जिया, तो फिर यहाँ पे कौन है ईमा? इट्स मी इंजो। मेरी बॉडी। प्लीज जिया, शुक्रिया बोल के मुझे छोटा मत करो। मॉम डैड, सूटकेस रेडी है ना? हाँ बेटा। पकड़ के रखिए इस लड़की को। हे, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब मैं तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भरूंगा। नहीं,